आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। अच्छी चीजें जो सरफेस पे रहती हैं और सब लोग उससे कनेक्ट भी होना चाहते हैं क्योंकि इसी से तो हमारी कम्युनिटी बनती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इनके खात्मे का सबब बनती हैं और इसीलिए इसे दुनिया से छुपा के रखा जाता है। वैसे तो इसे ना जानना ही अकलमंदी है क्योंकि नेगेटिविटी से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है, लेकिन आजकल के दौर में हर चीज का इल्म भी होना जरूरी है ताकि आपको दुनिया का एक अंदाजा भी तो रहे, ताकि आप हर मुश्किल वक्त में स्ट्रांग रह सकें। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब। तो जहां डार्क वेब पर आप बड़े आराम से एसेसिनेशन करवा सकते हैं, तो दूसरी तरफ आपको खरीदने के भी बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, जैसे कि फेक लाइसेंस, फेक यूएसए सिटीजनशिप, ऑर्गन्स, ह्यूमन मीट, और यहां तक कि पूरा का पूरा इंसान भी और उसकी आइडेंटिटी भी। इसी में फाइनेंशियल लॉगिन्स, ईमेल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, सब कुछ ही आ जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है हम पाकिस्तानियों के साथ। जी हाँ, अब हमारा मोबाइल डाटा, नादरा डाटा, फिंगरप्रिंट्स तक सिक्योर नहीं है, और ये सब कुछ बस कुछ ही पैसों में डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। सिर्फ चंद पैसों से अब आप किसी का भी हसास डाटा, यहाँ तक कि उसकी लाइव लोकेशन का भी पता लगा सकते हैं। लेकिन कैसे, जब हम खुद डार्क वेब तक एक्सेस नहीं करते तो आम लोग इसे कैसे खरीद रहे हैं? दरअसल कुछ लोकल गैंग्स होते हैं जो कुछ पैसों के लिए मोबाइल डाटा बेचते हैं, जो मोबाइल सिस्टम कंपनीज, पुलिस, खुफिया इदारे, नादरा के पास होते हैं। लेकिन अब प्राइवेट लोग इसे सिर्फ 3,000 में किसी भी नंबर का CDR निकलवा सकते हैं, यानी कि आपको ये भी पता लग जाएगा कि उस नंबर से आउटगोइंग क्या है, इनकमिंग क्या है, कब किसने किसको कॉल। तो ऐसे गैंग्स खुद अपना बायर तलाश करते हैं, डिफरेंट IDs और नंबर से फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप्स बनाते हैं। लेकिन अजीब बात ये है कि अगर आप इनको कॉल करना चाहें तो वो पॉसिबल ही नहीं है, उनका नंबर कभी आपको ऑन मिलेगा ही नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पे या आपको मुसलसल जवाब देंगे। किसी भी मोबाइल का डाटा सिर्फ 6 दिनों के अंदर मिल जाता है, लेकिन अगर किसी को अर्जेंट चाहिए तो ज्यादा पैसों में 6-7 घंटों में भी मिल जाता है, और गारंटी भी दी जाती है कि ये वही डाटा है जो खुफिया इदारों के पास होती है। और इसके साथ साथ इनके पास किसी का भी एसेट्स का डाटा भी होता है, यानी कि किसी की जायदाद कितनी है, किसी के पास कितनी गाड़ियां हैं, और सबसे खतरनाक बात, आप इनसे किसी का भी फिंगरप्रिंट निकलवा सकते हैं। जस्ट इमेजिन अगर किसी के पास आपका थंब इम्प्रेशन है, मतलब वो आपके नाम की सिम भी निकलवा सकता है, आपके निशानात को किसी भी जगह गलत इस्तेमाल कर सकता है, और उस इंसान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी निकलवा सकता है, मतलब करे कोई और फंसे कोई और। लेकिन आखिर इस गैंग के पास इतना इम्पोर्टेंट डाटा आया कैसे? क्या नादरा का कोई इन्हें डाटा एक्सेस देता है, या फिर ये खुद ही हैकर्स हैं? अगर ये हैकर्स हैं तो ये तो और भी ज्यादा खतरे की बात है। टेक्नोलॉजी में जहाँ चेंजेस आ रही हैं, क्राइम्स भी उसी तरह बदलते जा रहे हैं, लेकिन आखिर साइबर क्राइम पर काबू पाया कैसे जाएगा? हमारे यहाँ साइबर क्राइम लॉस तो बना दिए जाते हैं, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंट तो करता नहीं है। पाकिस्तान की 70% से ज्यादा आबादी मोबाइल से जुड़ी हुई है, और इन सब का डाटा अब खतरे में। बाय द वे, ये 2 साल पुरानी बात है और अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया।